नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में सियाराम में भगवा में हुई पठारी, घर घर में लगे ध्वज। मध्य प्रदेश के विदिशा में अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास एवं भूमि पूजन के पावन अवसर पर नगर के मंदिरों में संकीर्तन और सुंदर कांड का पाठ आयोजन किया गया। नगर के घर गली और चौराहे में भगवा झंडों से सुशोभित हुए। नगर में श्री राम नवमी और दिवाली जैसा महोत्सव नजर आया। श्रद्धा आस्था भक्ति तपस्या और विश्वास का केंद्र श्री राम जन्मभूमि का बहुप्रतीक्षित भूमि पूजन एवं शिलान्यास का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पुनीत पावन अवसर पर नगर के विभिन्न हिंदू संगठनों ने नगर के भगवा झंडों से सजाकर अवधपुरी बनाया। कोविड-19 की गाइडलाइन और मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए श्री हरसठ माता और श्री पठार वाले हनुमान मंदिर के पवित्र पावन सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। सिद्ध स्थल श्री करेली धाम हनुमान मंदिर में महा आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने रात को अपने अपने घरों और मंदिरों में दीप प्रज्वलित कर दीप महोत्सव मनाया। ऐसे मन प्रफुल्लित और उत्साहपूर्वक महोत्सव का आयोजन पठारी के अलावा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में भी आयोजित किए गए हैं। इन ऐतिहासिक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, विहिप, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू उत्सव समिति, लव कुश मानस मंडल सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं और समस्त समाज एवं वर्ग के विभिन्न श्रद्धालुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इससे ज़्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा पठारी से आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार। कोई सगो तो यहाँ नहीं होई।